नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। कोरोना के खिलाफ पूरा देश जंग लड़ रहा है। अब तक कोई भी ऐसी दवा नहीं आई जो इस संक्रमण को रोक पाए, लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर जरूर आज सामने आई है। एक ऐसी दवा जो कोरोना के खिलाफ जंग में गेम चेंजर साबित हो सकती है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। एक तरफ देश कोरोना वायरस की दूसरी चपेट का सामना कर रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार ने डीआरडीओ की एक ऐसी दवा के आपातकालीन उपयोग को अनुमति दे दी है जो कोरोना वायरस से लड़ने में काफी सहायक है। इस दवा का नाम है 2-डिऑक्सी-डी-ग्लूकोज, इसे 2G भी कहा गया है, जिसे बीते शनिवार ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI ने अनुमति दी है। कोरोना संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन की आपूर्ति बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। ऐसे संकट के बीच ये राहत की खबर है, क्योंकि आधिकारिक सूचना के अनुसार ये दवा कोरोना मरीजों को रिकवर होने में मदद करती है और ऑक्सीजन पर निर्भरता को कम करती है। ग्राफिक्स के जरिए जानिए इस दवा की खासियत। 2DG दवा को किसने तैयार किया? 2DG दवा को DRDO के परमाणु चिकित्सा और इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज ने हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के साथ तैयार किया। 2DG कैसे काम करती है? ये दवा मरीजों में इस बीमारी से रिकवर होने की गति को तेज करती है और ऑक्सीजन पर निर्भरता को कम करती है। कैसे ली जाएगी 2DG दवा? भारत सरकार द्वारा जारी स्टेटमेंट के अनुसार 2DG दवा एक पाउच में पाउडर की फॉर्म में आती है, जिसे पानी में घोलकर आसानी से पिया जा सकता है। कब और कहां कहां पर ट्रायल हुआ? दिसंबर 2020 से मार्च 2021 के बीच ट्रायल हुआ। देश के 27 कोविड अस्पतालों में ट्रायल किया गया। दिल्ली, यूपी, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में ट्रायल हुआ। दवा पर DRDO का दावा, मरीजों में तेजी से सुधार हुआ, ऑक्सीजन पर निर्भरता कम हुई, कोरोना रिपोर्ट जल्द ही नेगेटिव भी आई। DRDO ने बताया कि इसे बेहद आसानी से उत्पादित किया जा सकता है, इसलिए देश भर में जल्द ही ये आसानी से उपलब्ध भी हो जाएगी, क्योंकि इसमें बेहद जेनरिक मॉलिक्यूल है और ग्लूकोज जैसी ही है। जाहिर है कोरोना के खिलाफ तैयार हुई इस संजीवनी का इंतजार हम सबको है, क्योंकि असली परिणाम तब सामने आ पाएंगे जब अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे लोगों के लिए ये दवा जीवनदायिनी साबित होगी। तो कोरोना काल के बीच क्या ये दवा वाकई हम सबके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है? आज एक्सपर्ट्स का जो पैनल मेरे साथ जुड़ेगा, उनसे हम जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। सतबीर चौधरी हैं, पूर्व डीजी हेल्थ, और डॉक्टर हरदीप खरबंदा हैं, लाइफस्टाइल एक्सपर्ट, और डॉक्टर विनय गुप्ता हेल्थ एक्सपर्ट अब से कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सतबीर जी, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, ये देश की पहली ऐसी दवा है जिसे परीक्षण के तौर पर नहीं बल्कि पूर्ण इस्तेमाल के तौर पर मंजूरी मिली है, सर आपका असेसमेंट क्या कहता है? बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी, आपने बहुत अच्छा बताया ड्रग के बारे में, जो आम आदमी को शायद ज्यादा इसकी जानकारी होने की जरूरत नहीं है। होता क्या है, जब भी कोई ओरल ड्रग, चाहे पहले WHO अमेरिका ने जो इंडिया से मांगी थी शुरू शुरू में, आपको याद होगा, जब भी कोई ओरल ड्रग की बात आती है कि कोई नई ओरल ड्रग आई है वो कोरोना में काम करेगी, तो लोग उसको स्टोर करने लग जाते हैं। तो ये मैं शुरू में ही बताना चाहूंगा कि लोग इसको स्टोर ना करें। ये कोई रामबाण नहीं है कि कोरोना को होने नहीं देगा या कोरोना को बिल्कुल ठीक कर देगा जी। ये तो ऑक्सीजन पे जो डिपेंडेंस है उसको कम करेगा। ऑक्सीजन की कमी आजकल चल रही है और उसको बीमारी को खत्म होने में थोड़ा मदद करेगा। ये दो फायदे हैं, लेकिन लेनी तभी है जब डॉक्टर कहे। तो जब इस टाइप से कोई ओरल ड्रग सैचेट है या गोली है कोई मार्केट में आती है, जैसे DHO के साथ हुआ था शुरू में, लोग उसको स्टोर करके रख लेते हैं। अभी तो खैर मार्केट में महीने में शायद आएगी, तो ये कॉशन करना बहुत जरूरी है। अगले हफ्ते तक आने की उम्मीद जताई जा रही है सतबीर जी, अगले हफ्ते तक भी आ सकती है। हाँ, तो स्टोर करने की जरूरत नहीं है इसको,
ये जब डॉक्टर बताएंगे उसी टाइम ये हेल्प करेगी बीमारी को ट्रीट करने में। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि अभी कोरोना काल में कुछ भी ऐसा अगर लोगों को सुनाई दे रहा है कि ये दवा कारगर साबित हो सकती है या ये वैक्सीन आप ये टीका लगवाइए ये कारगर साबित हो सकता है, हम देख रहे हैं किस तरीके से लोग स्टॉक करना शुरू कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है डॉक्टर हरदीप। 3 चरण के ट्रायल्स के बाद इस वैक्सीन को मंजूरी मिली है, पाउडर की फॉर्म में होगी ये 2DG, आपका असेसमेंट क्या कहता है? मैम शुक्रिया पूजा जी आपका, ये सैशे के रूप में हमें मिलेगी और जैसे विटामिन डी का सैशे बहुत कॉमन है उसी तरह ये सैशे होगा। देखिए इसमें सिर्फ माइल्ड से मॉडरेट केसेस में इस्तेमाल होगा इसका। 85% कोरोना के मरीजों को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जो घर में होम ट्रीटमेंट में जिनका इलाज होता है उन्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे साथी डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा, इसकी होर्डिंग करने की जरूरत नहीं है हमें, लेकिन जो इस वक्त हालात हैं, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त संकट में है उससे बचने में ये मदद जरूर करेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी इसके 3 चरण का ट्रायल हो चुका है जी। और 3 चरण के ट्रायल में 3रे चरण का जो ट्रायल था उसमें लगभग 200 मरीजों पे इसका ट्रायल किया गया और उसमें काफी अच्छे परिणाम इसके मिले हैं। जल्द ही मरीज कोविड नेगेटिव भी हो गए और उनकी ऑक्सीजन की जो डिपेंडेंस थी वो करीब 12 या 13% कम हो गई इस दवा के देने से। ठीक है सतबीर जी, लेकिन क्या आप इस बात को मानते हैं कि अभी बहुत जल्दबाजी होगी अगर हम खुश हो जाएंगे, क्योंकि जो जिंदगी और मौत के बीच पेशेंट्स लड़ रहे हैं अस्पतालों में, जब उन मरीजों को ये दवा दी जाएगी उन पर ये किस तरीके से रिएक्ट करती है, क्या उनके लिए ये जीवनदायिनी साबित होती है? क्या आपको नहीं लगता हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए इससे पहले कि हम खुशी मनाएं? हाँ हम अच्छे पॉजिटिविटी के साथ हम रह सकते हैं कि ठीक है हम उम्मीद कर सकते हैं कि दवा कारगर साबित हो, लेकिन फिलहाल क्या जल्दबाजी होगी ये कहना? पूजा जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये मैं शुरू में मैंने वर्ड यूज किया था कि ये कोई रामबाण नहीं है, ये वायरस को नहीं मार रही, वायरस को बढ़ने से नहीं रोक रही, ये तो वायरस की डिपेंडेंस पे असर डाल रही है। कोई भी दवाई अगर ग्लूकोज की ऑक्सीजन की डिपेंडेंस को छेड़खानी करेगी तो वो हमारे बाकी सिस्टम को भी छेड़खानी करेगी, कोई छोटे मोटे इफेक्ट भी होंगे, लेकिन होता आमतौर पर यह है कि जब मरीज सीरियस है मरने वाला है और ऐसी परिस्थिति ऐसी है तो मजबूरी में जो भी ड्रग अवेलेबल है उससे काम चलाना पड़ता है। अब क्योंकि इसको अप्रूवल मिल गई है तो डॉक्टर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आज से पहले इसको ट्राई नहीं कर सकते थे लोग। बिल्कुल अब ये है कि अब डॉक्टर जब ऐसा ऐसी परिस्थिति है मरीज में तो कोई दवाई असर नहीं कर रही, हमें पता ही है कि दवाइयाँ असर नहीं कर रही और पर चांस ऑक्सीजन की भी कई बार कमी होती है, तो ऐसी परिस्थिति में इस दवाई को इस्तेमाल करने की मंजूरी भी नहीं है। ये इसका सिर्फ ये मतलब है, इसका ये मतलब नहीं लगाना कि वो सैचेट क्योंकि बाजार में उपलब्ध है लेकर के लोग लेना शुरू कर दें, बुखार हुआ 2 दिन में लेना शुरू कर दें। ये ट्रेंड है हमारे हमारे सिस्टम में, ऐसा ट्रेंड है, लोग ऐसे शुरू कर देते हैं, बिल्कुल तो सोचते हैं चलो कोई दवाई तो है नहीं, ये जो असर करती है सुन सुना करके वो उसको लेना शुरू कर देते हैं, वो उसको डिस्करेज में शुरू में ही करना चाहता हूँ। लेकिन जब किसी चीज का कोई दवाई हो ही ना तो जो दवाई जितना भी असर करेगी उसका फायदा है, इट इज वेलकम, अच्छा स्टेप है, बहुत अच्छी बात है कि कुछ ना कुछ तो आया है मार्केट में, बहुत अच्छी बात है। ठीक है डॉक्टर हरदीप, देखिए मार्च में जब कोरोना का पहला मामला सामने आया था उसके बाद से इसके ट्रायल शुरू हो गए थे, 1 साल तक लगभग इसका ट्रायल चलता रहा, 3 फेजेस के ट्रायल के बाद इसको मंजूरी मिली है, लेकिन जैसा कि अभी सतबीर जी कह रहे थे हो सकता है छोटे मोटे साइड इफेक्ट इसके हों, तो ऐसे में बात आती है लाइफस्टाइल की, हम कैसे खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, इस दवा की जरूरत हमको ना पड़े ऐसी भी हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि हम कोरोना से खुद को बचा कर रखें, हमें दवा लेने की जरूरत ही ना पड़े। लाइफस्टाइल एक्सपर्ट आप हैं, किस तरीके का संदेश, किस तरीके के जो है यहाँ पर एडवाइस आप लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक पूजा जी, कोशिश यही होनी चाहिए, ये तो कोरोना है, किसी भी डिजीज के लिए अगर हम बिना दवाई के रह लें तो वो बहुत अच्छा है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देना पड़ता है। तो आजकल खैर कोरोना काल है लेकिन फिर भी आप ऐसे वक्त सैर के लिए बाहर जरूर निकलें जब ज्यादा लोग न हों आसपास, या ऐसी जगह पे चलें कि आप 6 फुट की संपर्क में ना आए किसी के, तो सैर अभी भी नहीं छोड़नी। कई लोग कोरोना का लॉकडाउन के उसमें सैर बिल्कुल बंद कर देते हैं, तो आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन रखें, या फिर शहर में आप रहते हैं तो हर अपार्टमेंट में सीढ़ियां हैं, आप दिन में 5-6 बार सीढ़ियां चल पड़े, फिजिकल एक्टिविटी बंद नहीं करेंगे। दूसरा बात हमारा खान पान, हमें बैलेंस डाइट लेनी है, हमें ये देखना है कि हर तरह का मिनरल्स हों उसमें और हेल्दी डाइट लेनी है। हम लोग देखिए अल्कोहल और स्मोकिंग अगर ये हम करते हैं तो इवन हमारा जो देखिए कोरोना से 2 हथियार हैं हमारे पास,
70% उसको मास्क बचाता है, 70% के आसपास ही हमारी वैक्सीन बचाती है। तो ये दोनों हथियार इस वक्त हमारे पास, ये दो ही हथियार हैं। इन दोनों हथियारों में अगर हम अल्कोहल या स्मोकिंग का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी एंटीबॉडीज कम बनेंगी, हमारी एंटीबॉडीज कम बनेंगी और कम समय तक रहेंगी। तो ये जो देखिए इस वक्त ये आपदा का समय है, आपदा में हमें समझ जाना चाहिए, स्मोकिंग लोगों को बंद कर देनी चाहिए, अल्कोहल बंद कर देनी चाहिए। हालांकि कल मैं किसी हरदीप जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये समय सबको यही सिखा रहा है कि आपके स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ है नहीं, जान है तो जहान है। मुझे लगता है ये जो कहावत है ये इस वक्त पर हम सबने सीखी है कि आपकी जान से बढ़कर कुछ नहीं है, अगर आप जिंदा रहेंगे तभी कमा पाएंगे, अपने परिवार का पेट भर पाएंगे। ऐसे समय में बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जान है तो जहान है यही, और हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी देनी है आपने लाइफ में, वरना आपके करोड़ों रुपए जो आपने कमा लिए वो ऐसे के ऐसे पड़े रह जाएंगे। तो हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी दें, आप हेल्थ के लिए विजिलेंट रहें। अपना सेहत का क्या, सबसे बड़ी मुश्किल इसमें कहां हमें इलाज में आ रही है, कोमॉर्बिड लोगों में जी। तो कोमॉर्बिडिटी खत्म करें भाई, क्यों नहीं खत्म करें। तो देखिए पुरुषों की कमर का साइज 85 और महिलाओं की कमर का साइज 80, अगर ये होगा तो आपको कोमॉर्बिडिटी खत्म हो जाएगी। आप अपना ब्लड शुगर लेवल अपना मेंटेन रखिए, कोशिश कीजिए अगर आप दवाइयों पे हैं इतनी एक्सरसाइज बढ़ाइए कि आपको दवाइयों की जरूरत कम से कम पड़े। इसी तरह अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो उसका मूल कारण जान के उसको कोशिश करें कि बिना दवाइयों के ठीक रहे। अगर कोई आपको हार्ट की तकलीफ, आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है तो उसकी या तो लगातार दवाएं लें या उसका रूट कॉज ढूंढ के अपनी सारी बीमारियों से अगर आप मुक्त हो जाते हैं तो आप 85% वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। बिल्कुल, और प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, जरूरत ना ही पड़े आपको दवा लेने की, इस बात पर ध्यान दें, लाइफस्टाइल को इस तरीके का रखें। बिल्कुल, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ सतबीर जी, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि ये जो दवा होगी ये बहुत इजिली अवेलेबल हो जाएगी क्योंकि इसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा ईजी है। ये ऐसी दवा है जिसे पूरे तरीके से हमारे ही देश ने बनाया है, ग्लूकोज की फॉर्म में मिलेगी, ऐसे में लोगों को पैनिक भी नहीं करना चाहिए। और क्या उम्मीद रखी जा सकती है कि अगले एक या दो हफ्ते में ये दवा हम सबको मिल जाएगी? हाँ, उम्मीद तो है कि दवा मिल जाएगी, और जैसे अभी डॉक्टर दीप भी बता रहे थे कि 10-15% मरीजों में ही इसकी जरूरत पड़ेगी, आम लोगों में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर रामबाण वही रहेगा, 2 गज की दूरी, घर से बाहर फालतू नहीं निकलना, बार बार हाथ धोने हैं, नाक मुंह को हाथ नहीं लगाना और मास्क पहनना है। और जैसे कसरत की अभी बात हो रही थी, चंडीगढ़ में परचांस 9 बजे के बाद पार्क में टहलना बंद कर दिया है, सुबह 9 बजे पहले आप टहल सकते हो। तो मुझे जब लोग कहते हैं, मैं उनको ये कहता हूँ आप सीढ़ियाँ चढ़ो, क्योंकि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, 4 मंजिल की सीढ़ियाँ चढ़ो, उतरो 10-15 बार उतर लो, ठीक है। आंगन में अगर आपका 10-15 फुट का आंगन है उसी में घूमते रहो, आपको कौन रोक रहा है। इसके अलावा आप रस्सी कूद सकते हो, आप उल्टा छुट्टी है, आपको ऑफिस में जाना ही लेट है या ऑफिस से जल्दी आना है, समय ही समय है। लोग कहते हैं हमारे पास समय ही समय है, तो समय ही समय है, तो आधा घंटा 1 घंटा कसरत करो। आप सुबह अगर तैर सकते थे, सुबह नहीं कर पा रहे तो शाम को डिनर से पहले 6 बजे हो सकता है हमारे घर के अंदर हमारे पास लिमिटेड सोर्सेज हो, लिमिटेड सोर्सेज जरूर हो सकते हैं, लेकिन अगर हमारी इच्छा शक्ति है, हम करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है हम सब कर सकते हैं उन लिमिटेड सोर्सेज के साथ भी। मैं वापस से आपका रुख करूंगी, डॉक्टर विनय गुप्ता हेल्थ एक्सपर्ट है, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर विनय आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात यहाँ पर चल रही है 2DG दवा की, जिसे मंजूरी मिल चुकी है, और यहाँ हम आज बात कर रहे हैं कि क्या ये कोरोना काल में वाकई ही एक गेम चेंजर साबित हो सकती है, आपको क्या लगता है डॉक्टर विनय गुप्ता? जी डेफिनेटली, जो अभी न्यूज आई है आज ही की एक नई दवा DRDO की तरफ से जो लॉन्च की गई थी, जिसका फेज 3 ट्रायल 10 राज्यों में लगभग 27 कोविड सेंटर्स पर ट्राई किया गया था, 2DG जिसका नाम रखा गया है, वो एक दावा किया जा रहा है और जिसे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से भी मंजूरी दे दी गई है पूजा जी। और आपको बताना चाहूंगा कि इसका फेज 3 ट्रायल कामयाब रहा है, जिसमें ये पता लगा है कि जिन कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की सेचुरेशन कम है जिनमें, यदि उनमें ये दवाई दी जाए तो उनमें ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन की जरूरत कम पड़ती है, उनका RT-PCR टेस्ट जल्दी से नेगेटिव आता है और वो जल्दी रिकवर कर रहे हैं। अब मैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको बता देता हूँ। ये इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज DRDO दिल्ली ने हैदराबाद की एक प्राइवेट रिसर्च लेबोरेटरी डॉक्टर रेड्डीज के साथ मिलकर खोजी है। इस ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये उन सेल्स को टारगेट करती है पूजा जी,
जो सेल्स वायरस से इंफेक्टेड होते हैं, यानी एंटीवायरल ड्रग नहीं है, ये उन सेल्स पे इफेक्ट करती है जो वायरस से इंफेक्टेड होते हैं और उन सेल्स की मल्टीप्लिकेशन को, उनकी ग्रोथ को रोकती है, जिस वजह से वायरस आगे शरीर में नहीं फैलता है। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूंगा पूजा जी, अहम बात, कि ये जो इसकी मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी जिस तरह से इसको मरीज को देना है, वो सैशे फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होगा। कितनी डोज होगी ये तो अभी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया नोटिफाई करेंगे और जहां जहां पर इसे फेज 4 ट्रायल में ले जाने की कोशिश की जा रही है मास लेवल पे। दूसरी बात आपके चैनल के माध्यम से पूजा जी बहुत देर बताना जरूरी है कि इसका सुपरवाइज्ड अभी एडमिनिस्ट्रेशन होगा, यानी सुपरविजन के अंडर ही पेशेंट को ये ड्रग दी जाएगी। ठीक है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बातें डॉक्टर विनय आपने बताई, लेकिन डोज पर जो आप कह रहे थे कि अभी इसकी जानकारी नहीं दी जा सकती, इसी से जुड़ा सवाल मैं सतबीर जी से करूंगी। सतबीर जी, क्या लगता है कि एक मरीज को कितनी डोज दी जाएगी, ये उसकी कंडीशन पर डिपेंड करेगा क्या? नहीं नहीं, जैसे ही ड्रग अब आएगी, 4-5 दिन का समय है, जैसी ड्रग आएगी तो उसकी पैकिंग, डोजेज, हो सकता है इस बारे में कंपनी की काम भी चल रहा हुआ, अभी फाइनल ना हुआ हो, अप्रूवल हुई है तो 2-3 दिन में आ जाएगा कितने मिलीग्राम है, क्या पैकिंग है। अभी तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं ना क्या पैकिंग है, सैचेट कितने मिलीग्राम का होगा, कैसे होगा, तो उसके साथ डोज भी आ जाएगी और ये भी आ जाएगा किन मरीजों में दिया जाना है। सब में तो दिया नहीं जाना, अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर ही दिया जाना है। जैसे अभी डॉक्टर विनय बता रहे थे कि जिस सेल के अंदर वायरस घुसा हुआ है, वायरस तो बहुत ही छोटा है और सेल भी बहुत छोटी है, जिस सेल के अंदर वायरस घुसा हुआ है उसके ग्लूकोज को, उसके यूज पे ये फर्क डाल रही है, उसको रिप्लिकेशन नहीं होने दे रही। बिल्कुल बिल्कुल, तो क्योंकि उन सेल पे ये असर डाल रही है तो नॉर्मल सेल पे भी थोड़ा बहुत असर डालेगी, ये भी आगे की बातें हैं। ठीक है, हो सकता है कि आगे ये स्टडी आए कि दूसरी सेल जो नॉर्मल सेल है या ग्रोइंग सेल है, ब्लड की सेल है या जो भी ग्रोइंग, ज्यादा ग्रोइंग सेल है, बोन मैरो है, उन पे भी थोड़ा बहुत ये असर डाल सकती है, एनीमिया कर सकती है, छोटे मोटी इसकी प्रॉब्लम आ सकती है। 3-4 दिन में सारी बातें आ जाएगी। डॉक्टर हरदीप, अगला सवाल आपसे, क्योंकि देखिए पहले भी देश में लॉकडाउन लगा था, पूर्ण तरीके से लॉकडाउन लगा, उसके बाद भी कोरोना का कहर थोड़ा सा कम होता हुआ जरूर नजर आया था, लेकिन अब जिस तरीके से सेकेंड वेव का असर हम देख रहे हैं, कई राज्यों में लॉकडाउन फिर से लगा दिया गया है, अच्छा स्विमिंग पूल्स कह लीजिए, जिम्स कह लीजिए, जिस भी तरीके से लोग वर्कआउट कर सकते थे वो उस तरीके से वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि एक बड़ा कारण है कि लोगों के इम्यून सिस्टम पर इसका असर पड़ रहा है, उनका इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है और वो अपने इम्यून सिस्टम को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? डॉक्टर हर्ष, देखिए पूजा जी, जहाँ चाह है वहाँ रहा है, जिसने एक्सरसाइज करनी है उसको जिम बंद से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि डॉक्टर सतबीर जी भी कह रहे थे, अगर हम सीढ़ियां चढ़ते और उतरते हैं तो पूरी एक्सरसाइज आपकी हो जाती है और आप घर में भी आप स्ट्रेच एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, योगिक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसने एक्सरसाइज करनी है वो करेगा। देखिए इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करना ये बहुत लाजमी है अब हमारे लिए, क्योंकि हेल्थ को हमें टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देनी ही पड़ेगी। बिल्कुल, अब हमारे पास मैं डॉक्टर हरदीप आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि स्लीप साइकिल को लेकर के, हमारी डाइट को लेकर के एक प्रॉपर तरीके से आप डिटेल जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचाएं प्लीज। देखिए अब इवन अब तो ये कोरोना काल है, जब कोरोना काल नहीं था हम सब खौफ के दौर में जी रहे हैं, अगर खौफ के दौर में नहीं थे तो भी 70% बीमारियां साइकोसोमेटिक ओरिजिन की हैं। साइकोसोमेटिक ओरिजिन की मतलब जिनमें मानसिक तनाव इसमें बहुत बड़ा कारण है। तो 7 घंटे की, कम से कम 6-8 घंटे की नींद बहुत ज्यादा जरूरी है सभी के लिए। जहां तक डाइट की बात है तो नींद में कंप्रोमाइज अभी भी ना करें, ये बहुत बड़ा, ये लॉकडाउन में एक मुश्किल आ जाती है कि हम सारा दिन में कभी सो जाते हैं और पूरी रात मोबाइल पे लगे रहते हैं, फिर पूरा दिन परेशान रहते हैं, तो ये पैटर्न मत कीजिए, डिसिप्लिन मत तोड़िए, ना खाने पीने का डिसिप्लिन तोड़िए, ना सोने का डिसिप्लिन तोड़िए, चाहे लॉकडाउन है लेकिन मेरे निगाह से सबको पूरी तरह से डिसिप्लिन लाइफ अपनी जीनी पड़ेगी और समय से खाना पड़ेगा, बैलेंस डाइट रखनी पड़ेगी, ओवर मंचिंग मत करें, मैदा चीनी चावल ये कम से कम खाएं और ताजे फल, सीजनल फल और फ्रूट्स और ताजी सब्जियां, इन पे जोर ज्यादा रखें और अल्कोहल और स्मोकिंग से अगर हम बचे रहें और सभी मिनरल एक मुट्ठी भर के एक दिन में ड्राई फ्रूट्स खाएं, तो इन सब चीजों से हम अपना स्वास्थ्य पूरी तरह से मेंटेन रख सकते हैं और हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है। डॉक्टर विनय, कई बार ऐसे केसेस भी देखे जाते हैं जब मानसिक तनाव की वजह से या फिर कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से लोग नहीं सो पाते हैं, उनकी स्लीप साइकिल बिगड़ती है, ऐसे लोगों को आप क्या एडवाइस करेंगे, किस तरीके से वो अपनी स्लीप साइकिल को फिर से मेंटेन कर सकते हैं?
देखिए, सबसे पहले पूजा जी आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है कि स्ट्रेस, अगर आप किसी भी बीमारी को देखेंगे, आप मेडिसिन की अगर बुक उठाकर देखेंगे तो हर एक बीमारी का पूजा जी या तो मेन पॉजिटिव फैक्टर या रिस्क फैक्टर सबसे पहले नंबर पर स्ट्रेस होता है। तो अपने स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए पहली बात तो हमें ये देखना होगा कि स्ट्रेस कॉजिंग फैक्टर क्या है। हर एक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से उसके जीवन में स्ट्रेस होता है। जैसे किसी को जॉब के प्लेसेस पे स्ट्रेस होता है, किसी को मैरिटल रिलेशन पे स्ट्रेस होता है, किसी को पर्सनल लाइफ का, पर्सनल इश्यूज का स्ट्रेस होता है, किसी को फाइनेंशियल इश्यूज का। तो हमेशा स्ट्रेसर मीन्स जो रिस्क कॉजिंग है, जो स्ट्रेस को कॉज कर रहा है, उन फैक्टर को पहचानिए, उस फैक्टर से जितनी दूर रह सके। क्योंकि मैंने डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में लगभग 2 साल गुजारे हैं, तो अक्सर मैंने ये नोटिस किया है कि जब व्यक्ति स्ट्रेसर से दूर होता है, यानी जिस जो चीज उसे स्ट्रेस कॉज कर रही है उससे दूर होता है, तब वो स्ट्रेस से रिलीफ हो सकता है। सेकेंडली, नींद अगर नहीं आ रही है तो मैं आपको बताना चाहूंगा पूजा जी, इसके बारे में ओवर थिंकिंग ना करें। प्रोसेस ये होता है कि पहले व्यक्ति स्ट्रेस में जाता है, उसके बाद ओवर थिंकिंग करते करते डिप्रेशन में जाता है, और डिप्रेशन के बाद वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी ओसीडी में चला जाता है। लेकिन आप जो स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, जो नींद ना आना, तो ये मैं मानता हूँ आजकल जो लाइफ स्टाइल चेंजेस हम जो बोलते हैं उसमें ये नींद ना आना बड़ा कॉमन सा हो गया है। पहली बात तो हमारी डाइट नेचुरल नहीं रही है। बिल्कुल, डाइट में सबसे पहले जरूरी है पूजा जी, आप डेली 1.5 लीटर से 2 लीटर पानी पिए। इससे फायदा क्या होगा कि आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो वॉश आउट होंगे। उसके बाद आती है आपकी सॉलिड डाइट। सॉलिड डाइट में आपको हेल्दी डाइट लेनी है, ब्रेकफास्ट करना ही करना है, क्योंकि खाली पेट रहने से इम्यून सिस्टम वीक होता है। दोपहर को आपने कुछ हल्का फुल्का खाना है, और रात को भी आपने जल्दी सोने से पहले यानी लगभग 6 या 7 या 8 बजे के बीच अगर आप खाना खा लें तो आपको एक अच्छी नींद आएगी। यदि आप लेट नाइट खाना खाएंगे 9, 10, 11 तो आपको नींद भी लेट आएगी और सुबह भी आपकी आंख जल्दी खुल जाएगी और एसिडिटी की प्रॉब्लम भी होगी। बिल्कुल डॉक्टर विनय, बहुत महत्वपूर्ण बातें आप बता रहे हैं। मैं एक रिएक्शन इस पर सतबीर जी का भी लेना चाहूंगी, क्योंकि मेंटल हेल्थ पर बात करना मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो हम लोग इतना ज्यादा नहीं करते हैं। लेकिन मेंटल हेल्थ का कितना ज्यादा असर हमारी जिंदगी पर, हमारे शरीर पर पड़ता है, आप तीनों इतने एक्सपर्ट्स हैं, आप तीनों बेहतर तरीके से समझते हैं। सतबीर जी, आपका रिएक्शन इस पर। देखो, मेडिटेशन है, पूजा पाठ करना, अच्छी अच्छी किताब पढ़ना, अच्छे टीवी के प्रोग्राम देखना, आजकल लोग फुर्सत में हैं तो ये मतलब नहीं है कि मोबाइल पे व्हाट्सएप पे उल्टे सीधे मैसेज देखते रहो, सारा दिन ये देखते रहो कि कितने कोरोना पेशेंट हुए हैं, कितने कम हुए हैं, कितने क्या हुए हैं। ये हर आदमी का तो काम नहीं है ना, जिनका काम है वो देखते रहे, अब सारा दिन यही डिस्कस करते रहे हैं, इतने केस हो गए, इतने हो गए, ये हो गया, मर गया, तो वो नेगेटिविटी। सतबीर जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही है, और इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन आपसे बीच में पूछना चाहूंगी, माफी के साथ आपको रोककर। आपने कहा जिनका काम है उनको तो करना पड़ेगा, सर हमें रोज सुबह से शाम तक कोरोना कोरोना करना पड़ता है, कैसे हम अपने मेंटल हेल्थ पर इसका असर ना होने दें? नहीं नहीं, आपको देखो, आपका काम है, डॉक्टर का भी काम है, जिनका स्टैटिस्टिक्स मैनेज करने हैं, मंत्रालय है, डीसी ऑफिस है, उनका तो काम है, उनको सारा दिन देखने हैं कितने हैं क्या है। लेकिन हम भी जानते हैं कितना पॉजिटिव है कितना नहीं। 98% लोगों को तो कुछ नहीं होता, घर चले जाते हैं आराम से कम 80% लोगों को तो एडमिशन की भी जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ 1% आधा परसेंट लोग ही हैं जिनमें कोई प्रॉब्लम आती है या मॉर्बिडिटी होती है, कोई दिक्कत होती है। और इस ये जो खौफ है, जो ये डर हो गया है, उसको हमने सावधानी में परिवर्तित करना है, इसको खौफ में परिवर्तित नहीं करना, सावधानी में परिवर्तित कर। सावधानी क्या है? मास्क पहन के रखो, बार बार हाथ धो, 2 गज की दूरी रखो, फालतू में घर से बाहर ना निकलो। तो जो आदमी मुझे कहता है बहुत फैल रहा है, मैं उसको ये कहता हूँ घर में बैठा रहे 10 दिन, क्या दिक्कत है, घर में बैठ के टीवी देख, घर में बैठ के सैर कर आराम से, और पूरा सो। अब उसका उल्टा है, लोग सोना बंद कर देते हैं, टीवी देखते रहेंगे 2 बजे तक 3 बजे तक। आजकल आप फुर्सत में हो, आप 10 बजे 9 बजे सो जाओ, अगर आप नॉर्मली भी 2 बजे सोते हो 1 बजे, मुझे क्या लगता है ना, सतबीर जी मुझे ऐसा लगता है ना कि जब तक हमें फिजिकल एग्जॉशन होगा तभी नींद आएगी अच्छी। अभी क्या है ना, लोग अपने घरों से बाहर निकल नहीं रहे हैं, घर पर रहते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्लीप साइकिल पर इस वजह से भी असर पड़ता है। लेकिन वही बात जो अभी आप तीनों लोग ही बता रहे थे कि घर पर रहकर भी आप वर्कआउट कीजिए, आप अपनी बॉडी को थकाइए, काम कीजिए कुछ ऐसा कि आपको नींद आए। आप जब फोन पे बात कर रहे हो चलते रहो, आप जरूरी बैठना है, आप वीडियो भी देख रहे हो, जैसे लोगों को आजकल शौक है मैसेज देख रहे, वीडियो देख रहे, तो आप चलते चलते देख लो, तो आप सीढ़ियां चढ़ते वक्त ठीक है आप जरूर ना देखो मोबाइल, अदरवाइज आप चल रहे हो 10 फुट का रास्ता है उसमें टहलते रहो इधर से उधर,
सुनते रहो, फोन करते रहो, लेकिन नजर सामने होनी चाहिए, फोन में नहीं। काम जरूर करना है आपको, बिल्कुल बिल्कुल, फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। ठीक है, खाली बैठे हो तो ये मतलब नहीं है। और जो टीवी सीरियल देखते हो या तो रिलीजियस प्रोग्राम देखते हो, अच्छा प्रोग्राम देखो, घटिया प्रोग्राम देखने की जरूरत नहीं है। चलिए सर, माफी के साथ रोकना चाहूंगी, बातचीत इतने अच्छे तरीके से हो रही है, मैं चाहती हूँ बातचीत जारी रहे, लेकिन समय का अभाव है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और खास चर्चा करने के लिए। देखिए, राजनीति से जुड़े लोगों से हम लगातार बातचीत करते हैं, बताते हैं कि क्या तैयारियां उनकी तरफ से की गई, और अगर तैयारियां नहीं की गई तो फिर क्या तैयारी आने वाले समय में वो कर रहे हैं। लेकिन आज डॉक्टर्स के पैनल को बिठाने का मकसद ये था कि सरकार से इतर हम लोग खुद के लिए क्या कर रहे हैं, क्या हम समझ पा रहे हैं कोरोना की इस दहशत को, क्या हम गंभीरता से ले रहे हैं। क्योंकि कई तस्वीरें ऐसी सामने आई कि लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स पर इस तरीके से धक्का मुक्की करके अस्पतालों में पहुंच रहे थे, वो कोरोना पॉजिटिव नहीं भी होंगे शायद जब तक वो अस्पताल में जा रहे हैं वैक्सीनेशन लेने के लिए, लेकिन वहां की तस्वीरें इस तरीके से दर्शा रही थी कि अगर वो अपने घर इस भीड़ से निकलकर जाते हैं तो कोरोना को साथ लेकर जरूर जा सकते हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम खुद का भी खूब ख्याल रखें, अपने परिवार का खूब ख्याल रखें। खबरों में मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही, अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।